हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको उबंटू लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैं लिनक्स का फ्लेवर उबंटू वर्जन में इस वर्क स्टेशन में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इसको आप रियल डायरेक्ट किसी डेस्कटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा इंस्टॉलेशन का, जस्ट उसके पहले मैं वर्चुअल मशीन बना। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्टूडेंट है, आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसमें वर्क स्टेशन में ही प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि आप डायरेक्ट डेस्कटॉप में इंस्टॉल करिए। जब आप सीख जाइए तब आप अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में इंस्टॉल करके उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वर्क स्टेशन में कैसे इंस्टॉल करना लिनक्स को उसमें मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना वर्क स्टेशन ओपन करना है, क्रिएट वर्चुअल मशीन पे जाना है और यहाँ पे कस्टम में चले जाना है आपको, या टिपिकल ही रहने दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमें देना है, कस्टम कर लेते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर आई विल इंस्टॉल लेटर, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है लिनक्स, और लिनक्स में आपको उबंटू यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उबंटू, ठीक है। तो उबंटू नेक्स्ट करना है और इसका लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में ये स्पेसिफिक लोकेशन ले लेगा। अगर आप चाहते दूसरे लोकेशन में, तो जैसा कि मैं वीएमवेयर वर्क स्टेशन का एक फुल ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, अगर आपको डाउट है कैसे इसको मैनेज करना है तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली कुछ नहीं लिख रहा हूँ, उबंटू ही रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसके आगे जस्ट लिनक्स लिख दे रहा हूँ, ओके। और कर दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट नेक्स्ट, और मेमोरी 1 GB ले रहा है, हम यहाँ पे 2 GB दे देते हैं। मतलब मिनिमम आपको इंस्टॉल करने के लिए 1 GB मेमोरी चाहिए। और यहाँ से नेक्स्ट करिए, ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए इसको, नेक्स्ट। और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इसको सी आता है, हार्ड डिस्क, आप चाहे आईडी या साटा ले लो, मैं आईडी फिलहाल लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको सी लेंगे तो ये वर्क स्टेशन में प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टीशन बनाने के लिए पूछेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क लोकेट ही नहीं करेगा। तो कभी आप वर्क स्टेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आईडी या साटा सेलेक्ट करें, ठीक है। डायरेक्ट अगर फिजिकल मशीन में इंस्टॉल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट करना है। और हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पे 20 GB बाई डिफॉल्ट ले रहा है, इसका रिकमेंडेड है तो जाने दीजिए, या 40 GB मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पार्टीशन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो बस 40 GB सिंपली मैंने दे दिया और नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पर जाकर कस्टम हार्डवेयर में जाना है, जहाँ पर हमें अपना इमेज चूज़ करना है, तो CD DVD में जाना है और यहाँ पे ISO इमेज, क्योंकि वर्क स्टेशन में आपको ISO इमेज के द्वारा ही इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ISO इमेज हमने स्टोर कर रखा है अपने डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में जाऊँगा और यहाँ पे कहीं मैं रखा हूँ उबंटू, ये रहा, ठीक है। तो इमेज को मैं सिलेक्ट कर लिया, ओपन करना है और क्लोज कर देना है यहाँ से, और सिंपली यहाँ से फिनिश कर दीजिए। आपका वर्चुअल मशीन बनकर रेडी हो गया है और इमेज भी ऐड हो गया इसमें। अब इसके बाद का प्रोसीजर है सेम लाइक अगर आप डेस्कटॉप में या वर्चुअल मशीन में कहीं पे रियल टाइम में या वर्चुअल में आप इंस्टॉल कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर है दोनों का। अब इसके आगे कैसे इंस्टॉल करना, क्वेश्चन यहाँ से आता है, हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स, राइट। तो जस्ट सिंपली आप प्रेस करिए अपने कंप्यूटर को, स्विच ऑन करिए और इसके आगे कहानी शुरू कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना रहता है और यहाँ पे दे रहा है, समझने की कोशिश करिए, ट्राई उबंटू विदाउट इंस्टॉलिंग। अगर आपको डायरेक्ट यूज़ करना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके, मतलब इंस्टॉल नहीं होगा आपके कंप्यूटर में, आप डायरेक्ट जो हमारा इमेज है उसके द्वारा एक्सटेंड हो जाएगा, आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन फिर जैसे आप शट डाउन करेंगे आपके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें तो इंस्टॉल करना है ना, तो फिर हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना, थर्ड वाला, इंस्टॉल उबंटू, ठीक है।
तो इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे प्रेस कर देना एंटर। तो इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। ये फाइल सिस्टम पूरा चेक करना है, चेक कर रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको स्टॉप कर देना तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो ये चेक करना स्टॉप कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चेक करवा लेते तो बेटर होता है। कोई इमेज में चाहे फाइल में कोई भी डिस्टर्बेंस रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पर आपको दिखा देता है। नॉर्मली जो रेड हैट हम इंस्टॉल करते हैं, रेड हैट लिनक्स में यहाँ पर स्केप की प्रेस करना रहता है और यहाँ पर कंट्रोल सी है। सो अब इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, इंग्लिश यूएस। और जो भी है आप सेलेक्ट कर लो और इंस्टॉल कर लो, बाद में भी हम लैंग्वेज इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर जैसे कोई मिस्टेक हो जाता है, मान लो आप कोई और सेलेक्ट हो गया, इंस्टॉल कर लिए, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर दो, कंटिन्यू कर हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते रहें। यहाँ पे आपको समझना है, एक है नॉर्मल इंस्टॉलेशन, राइट, और एक है यहाँ पर मिनिमल इंस्टॉलेशन। तो अब नॉर्मल और मिनिमल इंस्टॉलेशन में अंतर क्या, पहले समझ लो। नॉर्मल इंस्टॉलेशन में क्या क्या होगा, देखो, वेब ब्राउज़र आ जाएगा, यूटिलिटीज़ आ जाएगा, ऑफिस आ जाएगा, ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम से सारी चीज़ आ जाएगा। मिनिमल में केवल वेब ब्राउज़र आएगा, ठीक है, और कुछ चीज़ें और यूटिलिटीज आएगी। मतलब अगर आपको सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं और प्रॉपर चलाना है तो आपको हमेशा नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना है। मिनिमल मतलब कुछ तक आएगा, और बाद में आप मिनिमल को नॉर्मल बना सकते हैं, बट नॉर्मल ही इंस्टॉल करना चाहिए आपको। तो यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ नॉर्मल इंस्टॉलेशन और जस्ट क्लिक करना है कंटिन्यू। तो ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको। अब यहाँ पर दे रहा ऑप्शन इंस्टॉलेशन टाइप, अगर आपको डिस्क, जो भी हमारी हार्ड डिस्क है ना, करे इरेज हार्ड डिस्क एंड इंस्टॉल, राइट, यूटिलिटीज, मतलब आपको क्या करना है, इरेज करेगा ये पहले और उसके बाद इंस्टॉल करेगा। और ये समथिंग एल्स मतलब क्या करेगा, क्रिएट करने के लिए देगा, पार्टीशन बना सकते हो, पार्टीशन को डिलीट कर सकते हो, पार्टीशन को मैनेज कर सकते हो, अगर ये करना है समथिंग एल्स में जाना है। बट अभी इनिशियली फर्स्ट टाइम हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, बेटर है फर्स्ट ऑप्शन आप रहने दीजिए, बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड है, ठीक है। इरेज करेगा और उसके बाद इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिक, बाय डिफॉल्ट जितना क्रिएट करना रहेगा क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे इंस्टॉल नाउ।
यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट कंटिन्यू कर देना है। वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर लिया जो भी करना था, और चाहे वो सिस्टम रिजर्व पार्टीशन हो, चाहे वो सिस्टम ड्राइव पार्टीशन हो, सारा ऑटोमेटिक रूट स्लैश बूट सारा अपने आप क्रिएट कर लेगा। पार्टीशन जो होता है लिनक्स में क्या होता है, स्लैश स्लैश मतलब रूट होता है और स्लैश बूट, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं तो मैनुअली आपको क्रिएट करना है। यहाँ कोलकाता इंडिया के लिए होता है, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, लोकेशन ये चेंज हो जाएगा अगर ऊपर हो तो, ठीक है। यही है लोकेशन हमारा, तो कंटिन्यू कर देंगे हम। यहाँ इंडिया का लोकेशन रेड हैट में एशिया, इंडिया एशिया कोलकाता आता है। लिनक्स उबंटू में देखिए कोलकाता डायरेक्ट देता है, मतलब इंडिया का कोलकाता ही रहता है। अब यहाँ पे यूज़र नेम दे रहा है, यूज़र नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर कोई यूज़र का नाम लिख देता हूँ, मनी लिख दे रहा हूँ या ईशान लिख दे रहा हूँ। ईशान पासवर्ड अगर आप डालना है तो पासवर्ड डाल लीजिए, सिंपली मैं एक पासवर्ड डाल दे रहा हूँ यहाँ पे और कंटिन्यू। बस अब कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली जो कुछ होना है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो गाइस हम थोड़ा वीडियो को बीच बीच में पॉज कर दे रहे हैं, स्टॉप कर दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहे हैं, लेकिन आप जब इंस्टॉल करोगे तो ये मान चलो एस्टिमेटेड टाइम जो होता है उबंटू लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए तकरीबन आपको 30 मिनट लगता है, ठीक है, 25 to 40 मिनट आई कैन से, ओके। तो आपको पेशेंस रख के इंस्टॉल करना प्रॉपर। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको डेस्कटॉप दिखाऊंगा। सो गाइस नाउ एट लास्ट आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। ये टाइम लग गया, मैं वीडियो को पॉज कर दिया था, रिकॉर्डिंग जो था स्टॉप कर दिया था, और ये इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे जस्ट अगर आप क्लिक करोगे रीस्टार्ट नाउ, उसके बाद आपको कंप्लीट डेस्कटॉप सेटअप मिल जाएगा इसका, ठीक है, लिनक्स का। तो बहुत सिंपल सा इंस्टॉलेशन है। अगर इसको आप यहाँ देखिए मैंने ये कर दिया रीस्टार्ट नाउ, तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम और इसके बाद आपको एक प्रॉपर डेस्कटॉप उबंटू लिनक्स का मिल जाएगा जिस पे आप काम कर सकते हैं। देखिए रीबूट हो गया। तो आई मीन ये अगर आप एक डेस्कटॉप में लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं तो ये तकरीबन आपको 25 to 40 मिनट अकॉर्डिंग टू योर लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये टाइम लेता है, ठीक है। तो ये तो वीडियो मैंने 15 मिनट तकरीबन उसमें बना दिया, तो लेकिन आप इंस्टॉलेशन मत सोचिए 15 मिनट में हो जाएगा। इंस्टॉलेशन आपको मिनिमम हाफ एन आवर तो लगना ही लगना है इसमें, ठीक है। तो बस लेकिन जो प्रोसीजर करना था वो मैंने दिखाया, और बाकी जो है टाइम जो इंस्टॉलेशन में जो प्रोसेस फाइल में लगती है वो लगती है, तो वो तो लगेगी, ठीक है। तो आई होप आपको इंस्टॉलेशन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, और स्टेप जो जो करना था उसमें वो मैंने दिखाई दिया आपको। तो एक बार डेस्कटॉप आता है फिर मैं दिखा देता हूँ आपको डेस्कटॉप पे कि कैसे ये है। और यहाँ पे अब दे रहा है रिमूव करने के लिए, एंटर करेंगे तो जो हमारा इमेज हमने ऐड कर रखा है, या तो आपने अगर आप डीवीडी से इंस्टॉल कर रहे हैं या पेन ड्राइव से, तो उसको रिमूव कर देगा ये, ठीक है। और यस एंटर कर दिया हमने। अब ये आपके जो हार्ड डिस्क ड्राइव में जो फाइल कॉपी हुई है उसको बूट करके ये सेटअप तैयार कर रहे हैं। तो बस ये डेस्कटॉप आ ही जाएगा। सो गाइस देखिए एट लास्ट हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, और जो हमने यूज़र आईडी दे रखा था ईशान वो आगे आपके सामने देख लो। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप लॉगिन कर सकते हैं इसको, या तो रूट लॉगिन करो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिनक्स का रहता है, कोई भी लिनक्स हो चाहे उबंटू हो चाहे रेड हैट या जो भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो तो रहता ही है। और या तो फिर आप यहाँ पे जो हमने यूज़र बनाया
तो इसको लॉगिन करो ईशान, और इसका पासवर्ड मैंने दिया था, वो पासवर्ड सीक्रेट रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारा डेस्कटॉप आपके सामने अपीयर हो गया है, इट्स कंप्लीटेड, दैट्स ऑल। तो इस तरह से उबंटू हम इंस्टॉल करते हैं, बहुत सिंपल सा है। अगर आप विंडो इंस्टॉलेशन जानते हो तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर ही सकते हैं आप, ठीक है। और लिनक्स में और ज़्यादा कुछ सीखना है तो लिनक्स का हमने पूरा फुल ट्यूटोरियल रेड हैट का बना रखा, आप जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में मैं लिनक्स का एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, उसमें इसको भी ऐड कर दूँगा, और रेड हैट में भी जितने वीडियो रहेंगे उसको मैं ऐड कर दूँगा। तो प्लेलिस्ट में आपको लिनक्स का एक ठीक ठाक ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये देखिए डेस्कटॉप मैंने फुल इंस्टॉलेशन किया था एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है, देखिए एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। अगर मिनिमल इंस्टॉलेशन आप करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेगी, ब्राउज़र वगैरह ज़्यादा आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ऑनलाइन हमें अभी यूज़ नहीं करना है, सभी ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन हैं यहाँ पर, तो इसको स्किप कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर ये इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं, तो देखिए ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे ये डेस्कटॉप आपका आ गया। अब जो भी आप चाहते हो यहाँ से यूज़ करो, कैसे मैनेज करना लिनक्स उबंटू पे कैसे काम करना है। फिलहाल तो इस ट्यूटोरियल मैंने केवल इंस्टॉलेशन आपको बताना था जो मैंने बताया। और अगर आप ढेर सारा लाइक करते हो, ढेर सारा कमेंट करते हो, आपको अच्छा लगता है ट्यूटोरियल, तो लिनक्स पे कैसे काम करना है वो भी मैं एक ट्यूटोरियल बना के आपको बताऊँगा, उबंटू पे कैसे काम करना है। रेड हैट पे तो मैंने बता ही दिया है, रेड हैट का तो फुल ट्यूटोरियल ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट अभी मैंने बनाया नहीं, अभी बना देता हूँ मैं, आज प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। उसमें ये भी रहेगा, लिनक्स का जितने ट्यूटोरियल रहेगा सब लिनक्स नाम से प्लेलिस्ट रहेगा, लिनक्स ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है। तो उसमें मिल जाएगा आपको, ये इंस्टॉलेशन है और उबंटू पे कैसे काम करना है अगर आप चाहोगे तो मैं उसके लिए एक ट्यूटोरियल आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो बस ऐसे आपको काम करना है, ये देखिए डेस्कटॉप है, यहाँ कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है आप यूज़ करो और काम करो, ठीक है। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आपको, इंस्टॉलेशन समझ में आया नहीं आया, क्या है, क्या आप सजेशन देते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस इस ट्यूटोरियल इतना, थैंक यू सो मच।